तो हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजेंड व्लॉग में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास टेंथ का एक टॉपिक। तो पहली वीडियो में आपने जो देखा था वो था व्हाट इज़ रेजिस्टेंस और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं करंट फ्लो होने में। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है उसमें आपको बताने वाला हूँ मैं सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस जो आप वर्ड थे जो अभी पढ़ते आ रहे थे हम किस चीज़ को बोलते हैं। आपने इस तरीके के रेजिस्टर्स देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं, सर्किट्स के अंदर लगे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे से इस तरीके के होते हैं वो। तो ये क्या करते हैं, इस साइड से अगर आपने मान लीजिए 250 वोल्टेज का करंट भेजा तो उस करंट को ये इसके अंदर ऐसा मटेरियल भर देते हैं जो कि रेजिस्टेंस को गिरा देता है, जो कि रेजिस्टेंस को गिरा देता है। तो उसके बाद जो वोल्टेज या फिर करंट जाएगा उस दूसरी साइड तो वो घटकर मान लीजिए 100 पर ही रह जाएगा, 100 यूनिट पर ही रह जाएगा। मतलब इस साइड 250 यूनिट से भेजा था तो इस साइड यूनिट उसकी केवल 100 रह जाएगी। तो मीन्स रजिस्टर्स इसी काम करते हैं कि रजिस्टेंस को मतलब करंट फ्लो को कम कर देते हैं। तो यही था हमारा रेजिस्टेंस। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हों, मान लीजिए ये एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर ये हमारी बैटरी है, ये वायर है, तो इसमें यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो वो इस जगह पर एक मान लीजिए कोई डिवाइस लगा हुआ है इस जगह पर, तो इनके अंदर कितने कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, जूम वगैरह मतलब, तो इसके अंदर कितने कितने रेजिस्टेंस हो रहे हैं। तो मैं आपको सीरीज़ में लगे हुए हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ कि ये है सीरीज़ में, ये इसकी फर्स्ट डिवाइस, सेकंड, थर्ड, तो ये सब सीरीज़ में। आपको मैं बता दूं सीरीज़ और पैरेलल इसे बोलते हैं हम। ये हमारा पैरेलल में है और ये हमारा सीरीज़ में है। इन दोनों की अलग अलग इक्वेशन है। अगर क्वेश्चन आता है सीरीज़ में तो आप उसे कैसे ब्रेक करोगे, और अगर क्वेश्चन आता है पैरेलल में तो आप उसे किस फॉर्मूले से ब्रेक करोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले सीरीज़ में, तो ये हमारा फर्स्ट रजिस्टर है R1, R2, R3। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो वो इन सभी रजिस्टर्स में करंट है वो इक्वल अमाउंट में जाएगा। करंट बिकम्स कॉमन इन द सीरीज इन ऑल रजिस्टर्स। तो हम लेंगे V1, मीन्स V1 पॉइंट मतलब करंट, वो वोल्टेज थे वो थे हमारे डिफरेंट। तो V1 इज इक्वल टू R1 इंटू आई, मीन्स मैंने बताया था ना कि करंट कॉमन है। इस चीज़ को आप अगर ध्यान रखोगे तो आप सीरीज़ के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कि करंट सब में कॉमन जा रहा है। देन V2 इज इक्वल टू R2 इंटू आई, फिर से करंट कॉमन है, वोल्टेज डिफरेंट हैं, रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं पर करंट कॉमन है। तो V3 जो है उसके बाद आएगा R3 इंटू आई, इसमें भी करंट कॉमन है। ये हमारी तीन इक्वेशन थी। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला था उसके हिसाब से रखेंगे, मीन्स वोल्टेज इस वाली इक्वेशन को ले लो R इंटू आई, देन इसकी भी V1 V2 नहीं ली जाएगी, इसको लेंगे हम, देन R1 इंटू आई प्लस R2 इंटू आई प्लस R3 इंटू आई, आई सब में, देन इसमें से हम R इंटू आई, आई इसमें से लेंगे कॉमन, इसमें से भी आई कॉमन ले लेंगे, R1 R2 देन R3 प्लस लगा के I से I कट हो जाएगा, देन R जो रेजिस्टेंस निकलेगा हमारा सीरीज़ में वो निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये थी हमारी रेजिस्टेंस निकालने की इक्वेशन जो कि हमारी सीरीज़ में रहेगी। तो आप इससे निकालोगे, पर ये पॉइंट जरूर याद रखना कि करंट बिकम्स कॉमन इन सीरीज इन ऑल रजिस्टर्स। तो दोस्तों सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। ये इस पैरेलल सर्किट के अंदर हमें रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन ब्रेक करने में एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ या फिर एक पॉइंट बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ब्रेक करने में, कि वोल्टेज बिकम्स कॉमन इन पैरेलल सर्किट। इसके अंदर करेंट तो डिफरेंट रहेगा लेकिन वोल्टेज कॉमन रहेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम वीडियो को लेट नहीं करना चाहता मैं दोबारा, तो हम ले लेते हैं अब उसके बाद। देन फ्रेंड्स यू विल राइट I इज इक्वल टू V अपॉन R।
आर नीचे की साइड ट्रांसफर हो जाएगा एंड आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। देन हम फर्स्ट रेजिस्टेंस लेंगे, उसमें लिखेंगे आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन, फर्स्ट रेजिस्टेंस। एंड देन सेकंड आई टू इज इक्वल टू वी अपॉन आर टू एंड सो ऑन, आई थ्री वी अपॉन आर थ्री। देन वी विल कंपेयर ऑल दी करेंट सीरीज, देन वी विल राइट दिस पार्ट ऑफ द इक्वेशन। देन वी अपॉन आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। इन दिस इक्वेशन वी इज कॉमन, देन वी अपॉन आर इज इक्वल टू वी एम कॉमन ले लेंगे इसके अंदर, देन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। V से V कट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ब्रेक करने में पैरेलल सीरीज के अंदर इक्वेशन। इसको अगर हम पैरेलल सीरीज में अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप से, पैरेलल सीरीज में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ये होता है पैरेलल में और वो होता है सीरीज में, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये होता है हमारा सीरीज के अंदर, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्वेश्चन ब्रेक करने में यूज आता है पैरेलल सीरीज के अंदर। देन फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो, थैंक्स।